आज मैं आपके साथ एक बहुत ही जायकेदार भिंडी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसका नाम है फ्राइड भिंडी विद पीनट्स। फ्रेंड्स, भिंडी की जियोग्राफिकल ओरिजिन के बारे में तो बहुत से विवाद हैं, लेकिन इसके नाम के बारे में बताती हूँ कि सारी दुनिया में इसे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। इंग्लैंड में इसे लेडीज फिंगर, अमेरिका में ओकरा और हिंदुस्तान में इसे भिंडी के नाम से बुलाते हैं। इंग्लैंड में इसे लेडीज फिंगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लेडीज़ की फिंगर यानी महिलाओं की उंगलियों की तरह दिखाई देती है। फ्रेंड्स, ओकरा नाम के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि साउथ ईस्टर्न नाइजीरिया की इग्बो ट्राइब के द्वारा ही इसका ये नाम पड़ा। वहाँ उनकी भाषा में, इग्बो ट्राइब की भाषा में इसे ओकुरू कहा जाता है। फिर जब ट्रांस एटलांटिक स्लेव ट्रेड के जरिए वो लोग अमेरिका पहुंचे तो वहां पर इसका नाम ओकरा हो गया। सबसे पहले हम भिंडी को पानी से धो लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि भिंडी कभी भी काटने के बाद नहीं धोई जाती, क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट बहुत अधिक मात्रा में होता है और ये चिकनाई छोड़ने लगती है। तो हमने भिंडी को धो लिया है अच्छे से। अब हम इसे एक कपड़े पर रखकर खूब अच्छे से पोंछ लेंगे। अब आप देख रही हैं, हमारी भिंडी अच्छे से सूख गई है। सबसे पहले हम भिंडी का हेड एंड टेल हटा देंगे। हमें भिंडी की इतनी मोटी स्लाइस काटना है। अब इस तरीके से हम सारी भिंडी काट लेंगे। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि सदर्न यूएस में एक गंबो नाम का एक सूप तैयार किया जाता है, जिसमें भिंडी को थिकनिंग एजेंट के रूप में डाला जाता है। ये तो आप सभी जानते हैं कि भिंडी में चिकनाई या म्यूसिलियस काफ़ी होता है और यही इस सूप को गाढ़ापन प्रदान करता है। और हाँ, एक और बात, भिंडी के इसी चिकनाई वाले हिस्से में या म्यूसिलियस में सारे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे रंग बहुत अच्छा आएगा, 1/2 चम्मच हल्दी, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए, वैसे मैं 5 चम्मच नमक डालूंगी, 10 से 12 करी लीफ और चुटकी भर हींग। और हमने भिंडी काट के तैयार कर रखी है। हमने गैस जलाई और उस पर हम एक कढ़ाई रख देंगे। तो हम कढ़ाई में तेल डाल देंगे। तेल काफी गर्म हो चुका है। ये ध्यान रखना है कि जब भिंडी को हमें फ्राई करना है तो तेल बहुत गर्म होना चाहिए। अब हम इसमें भिंडी फ्राई करेंगे। इसे बीच बीच में इसे स्पाइडर झारे से आप चलाते रहिए। अब हमारी भिंडी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम बाकी की भिंडी भी इसी प्रकार से फ्राई कर लेंगे।
अब हमारी भिंडी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। आप देख रही हैं पूरी भिंडी फ्राई हो चुकी है, बहुत ही अच्छा रंग दिया है इसने और बहुत ही करारी है। आप यदि तोड़ के देखें, ये देखें, अब हम मूंगफली के दानों को भी भिंडी की तरह ही कर लेंगे। इसे बहुत कम समय लगेगा तलने में। मूंगफली के दाने बहुत अच्छे फ्राई हो गए हैं हमारे, अब इन्हें भी हम निकाल लेंगे। अब हमारी भिंडी और मूंगफली के दाने फ्राई हो चुके हैं, अब फाइनल टेम्परिंग हमें करना है। उसके लिए हम तड़का लगाएंगे। गैस जलाकर मैंने पैन रख दिया है, इसमें बहुत कम ऑयल डालना है, एक चाय का चम्मच ऑयल, जिसमें हमारे मसाले अच्छे से मिल जाए। तेल गर्म हो चुका है, हम इसमें जीरा डाल देंगे एक चम्मच, राई डाल देंगे एक चम्मच, को क्रैकल होने देंगे अच्छे से। अब इसमें हम जो करी पत्ता हमने 10 से 12 पत्ती ली थी वो डाल देंगे, और जो हींग ली थी उसे भी हम डाल देंगे। अब इसमें हम आधी चम्मच हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च एक चम्मच डाल देंगे। और जो भिंडी और मूंगफली के दाने हैं उन्हें इसमें हम डाल देंगे, अच्छे से मिला देंगे। सबसे आखिरी में हमें इसमें नमक डालना है। आप देख रही हैं भिंडी बहुत करारी हो चुकी है, चलाने पर बहुत अच्छी आवाज़ कर रही है। मैंने गैस बंद कर दी है, भिंडी हमारी बनकर तैयार है, अब बारी है इसकी प्लेटिंग। फ्रेंड्स, फ्राइड भिंडी विथ पीनट्स तैयार है। अब आपको मुझे ये बताना है कि आपको कैसी लगी। यदि आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको और आपके परिवार को इसे खाकर बहुत मज़ा आएगा। इसे दाल चावल या दाल रोटी सब्जी के साथ भी खा सकती हैं, वैसे पराठों के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती हैं, और बच्चों के टिफ़िन में इसको दिया जा सकता है क्योंकि ये काफ़ी कुरकुरी होती है, तो उन्हें बहुत मज़ा आता है इसको खाने में। यदि आपको इससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकती हैं, मैं उसका तुरंत जवाब दूँगा।